नमस्कार दोस्तों, आज मैं खजूर की खटमिठी बना रही हूँ और इसे बनाने के लिए 2 कटोरी खजूर ली हूँ, 1 कटोरी गुड़, अब अपने स्वाद अनुसार गुड़ ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच पचफुटन ली हूँ, 4 टमाटर मध्यम आकार का ली हूँ, रिफाइन तेल 2 चम्मच। तो सबसे पहले हम टमाटर को धोकर काट लेंगे। खजूर को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजिए ताकि खजूर के ऊपर जो भी गंदगी रहे निकल जाए। अब खजूर से बीज निकाल लीजिए, अगर आप चाहो तो पूरे बीज निकाल लीजिए खजूर का, या फिर आप थोड़े में से बीज निकालिए और फिर थोड़े को ऐसे ही डाल दीजिए। मैं आधा बीज निकाल ली हूँ, आधा को ऐसे ही इसमें डाल रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब इस तरीके से सारे खजूर निकाल लीजिए प्लेट में, फिर पैन को गरम कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए रिफाइंड तेल। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाली हूँ। तेल जब गरम हो गया तो पचफुटन डाल दी हूँ। पचफुटन अच्छी तरह से जब पक जाए तो आप इसमें डाल दीजिए टमाटर। फुल फ्लेम पर आप इसे 2 से 3 मिनट तक मिलाते हुए पका लीजिए। फिर आप इसमें डाल दीजिए खजूर। ये चटनी बहुत ही जल्दी बन जाता है। खजूर डालने के बाद आप इसे मिला लीजिए फुल फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट। फिर आप इसमें डाल दीजिए गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। कोशिश कीजिए कि गुड़ में ही इसे बनाइए। अब इसे मिला लीजिए, फिर गैस को लो फ्लेम कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए सारे मसाले और फिर इसे लो फ्लेम पर मिला लीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी। अगर आप पतला वाला खाना चाहते हैं खटमिट्ठी, तो आप इसमें 3 कटोरी पानी डाल सकते हैं। और इसे मिलाने के बाद मीडियम फ्लेम पर ढककर पका लीजिए। देखेंगे कि 5 मिनट के बाद ये पक जाता है। बहुत जल्दी खटमिट्ठी बनकर तैयार होता है। तो खटमिट्ठी बनकर तैयार है, अब इसे निकाल लीजिए और खाइए।